हेलो फ्रेंड्स, आरएचईएल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कमांड सीरीज का 6 वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डिस्प्ले एन लाइंस अराउंड मैच। यानी यदि आप चाहते हैं कि जिस लाइन से आपका पैटर्न मैच हो रहा हो उस लाइन के पहले की कुछ नंबर ऑफ लाइंस और बाद की उस लाइन के बाद की कुछ नंबर ऑफ लाइंस को भी साथ में आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करवाते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस कंडीशन के लिए ग्रेप कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप, उसके बाद में हाइपन कैपिटल सी ऑप्शन, उसके बाद वैल्यू कि आप कितनी लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद में वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको लिखना है जो आप मैच करवाना चाहते हैं, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिससे आप ये पैटर्न या स्ट्रिंग मैच करवाना चाहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कैट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है और अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है गुआवा और उससे पहले की दो लाइंस और बाद की दो लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूं। यानी गुआवा लाइंस तो ये वाली लाइन तो मैं प्रिंट हुई, साथ में उसके पहले की दो लाइन और बाद की दो लाइन भी मैं साथ में प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए ग्रेप कमांड क्या रहेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखना आपको ग्रेप, फिर हाइपन कैपिटल सी, फिर टू, क्योंकि मुझे दो लाइन प्रिंट करवानी है इसलिए टू लिखा मैंने। उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग आपको मैच करवानी है वो स्ट्रिंग आपको लिखना है, और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये स्ट्रिंग मैच करवाना चाहते हैं। तो देखिए गोवा जिस लाइन से गोवा मैच हुआ है, पैटर्न मैच हुआ है, उस लाइन के पहले की दो लाइन और बाद की दो लाइन ये प्रिंट करके हमें दे रहा है। तो इस प्रकार आप चाहते हैं कि किसी जिस लाइन से हमारा पैटर्न मैच हो उस लाइन से पहले की कुछ नंबर ऑफ लाइंस और बाद की कुछ नंबर ऑफ लाइंस आप साथ में प्रिंट साथ में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इस बार आप प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं पांच लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, दो की जगह पांच लिखना है। तो देखिए जिस लाइन से हमारा ये पैटर्न मैच हो रहा है गोवा, उस लाइन के पहले की पांच लाइन और बाद की पांच लाइन ये हमें प्रिंट कर रहा है। और यदि हम साथ में ये ऑप्शन हटा देते हैं हाइपन सी और फाइव तो ये क्या करेगा, तो देखिए वो केवल उसी लाइन को प्रिंट करेगा जिस लाइन से आपका पैटर्न मैच हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।